इलेक्शन कमीशन की कराची में बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक फरीकैन से मुशावरत मुकम्मल हो गई है। सिंध हुकूमत के बल्दियाती इंतखाबात मजीद 3 माह मुलतवी करने की सिफारिश। इलेक्शन कमीशन का अहम इंटरनल इजलास आज 2 बजे इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक हतमी फैसला आज करेगा। इलेक्शन कमीशन कराची में 3 मरतबा बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर चुका है। आपको आगाह कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की कराची में बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक फरीकैन से मुशावरत मुकम्मल हो गई है और सिंध हुकूमत की बल्दियाती इंतखाबात मजीद 3 माह मुलतवी करने की सिफारिश एक बार फिर सामने आ गई है। इलेक्शन कमीशन का एक अहम इजलास आज 2 बजे इस्लामाबाद में तलब किया गया है और इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक आज एक हतमी फैसला करने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन कराची में 3 मरतबा बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी कर चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। पीटीआई का हकीकी आजादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आजादी मार्च सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।